गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अर्पित, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। प्लूरल इफ्यूजन, ये जो प्लूरल इफ्यूजन है ये किसका डिसऑर्डर है? हम रेस्पिरेटरी में पढ़ रहे हैं तो ये डिसऑर्डर किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा कि कोविड आपको पता है फिर रीबैक हो गया, ये जो न्यू स्ट्रेन आया है कोविड का ये उससे भी भयानक है। सो मास्क पहन के रखिए, हैंड वॉशिंग जरूर करिए बार बार। सो ये जो गाइडलाइंस है सरकार की न्यू, इनको आप जरूर फॉलो करें क्योंकि ये हमारी ही बचत के लिए है। सो आज हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन कि क्या होता है प्लूरल इफ्यूजन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़े और उन्हीं डिसऑर्डर्स में एक है प्लूरल इफ्यूजन। सो आपको पता है प्लूरा, प्लूरा का मतलब क्या होता है? ये जो हमारी लंग्स होती हैं, लंग्स की लेयर होती है प्लूरा, जो उसको लंग्स को क्या है इनक्लोज करके रखती है। तो प्लूरल इफ्यूजन मतलब जो प्लूरल कैविटी है हमारी, जो हमारी प्लूरल कैविटी उसमें क्या इफ्यूजन हो गया। इफ्यूजन का मतलब कुछ भर गया है, क्या भर गया? फ्लूइड फिल हो गया, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। उसके पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पे मेंशन करूंगा। Suppose that this is a lung. Suppose that this is a lung. और ये जो lungs की ये जो layer है इसको हम बोलते हैं pleura. इसको हम बोलते हैं pleura. ये जो lungs को enclose करके रखती है इसको हम बोलते हैं प्लूरा। तो ये जो प्लूरल कैविटी है, ये वाला प्लूरल कैविटी है, तो इस प्लूरल कैविटी में क्या है? फ्लूइड अकमुलेट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अगर इस प्लूरा कैविटी में प्लूरा स्पेस, इसको हम बोलते हैं प्लूरा कैविटी, प्लूरा स्पेस बोलते हैं, और अगर इस स्पेस में फ्लूइड भर रहा है, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड, अकमुलेशन और फ्लूइड, अगर इस स्पेस में फ्लूइड अकमुलेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल इफ्यूजन। और अगर इसी स्पेस में क्या है, पस फिल हो रही है हमारे पास, क्या फिल हो रही है? पस, तो उसको हम बोलते हैं एम्पाइमा। हमने डिसऑर्डर पढ़ा था एम्पाइमा, पाई मतलब पस, और अगर क्या प्लूरल स्पेस में पस फिल हो रही है तो उसको हमने बोल दिया था एम्पाइमा। और अगर इसी प्लूरल स्पेस में क्या है, ब्लड अकमुलेट होने लग जाए हमारे पास, ये जो प्लूरल स्पेस आपको दिखाई दे रही है इसमें अगर ब्लड अकमुलेट हो, अकमुलेट ब्लड, ब्लड अगर इस प्लूरल स्पेस में क्या है ब्लड का अकमुलेशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे हिमोथोरेक्स, हिमोथोरेक्स। ये कुछ कॉमन है हमारे पास टर्मिनोलॉजी। अगर इस प्लूरल स्पेस में क्या है फ्लूइड का अकमुलेट हो रहा है तब हमने इसको बोल दिया कि ये जो डिसीज कंडीशन है इसको क्या हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर इसी प्लूरल स्पेस में क्या है ब्लड फिल हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया हिमोथोरेक्स। और इसी प्लूरल स्पेस में क्या है अगर पस का पस फिल हो रही है तो उसको हमने बोल दिया था एम्पाइमा। और अगर इसी प्लूरल स्पेस में क्या है एयर और गैस फिल हो रही है, एयर और गैस फिल हो रही है इसी प्लूरल स्पेस में तो उसको हम बोलते हैं निमोथोरेक्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर इस प्लूरल स्पेस में हम एयर या गैस फिल हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं निमोथोरेक्स। दिस इज अबाउट कॉमन टर्मिनोलॉजी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन आपको पता लग गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। सो डेफिनेशन से हम हर बार स्टार्ट करते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, अकमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा। सो डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन ऑफ
ऑफ ल्यू इनटू प्लूरल स्पेस। स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। किसी भी कारण से, मतलब कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बट कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। किसी भी बैक्टीरियल और वायरल का इन्वेजन हो रहा है अगर हमारे लंग्स के अंदर, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी कारण से क्या है, ये जो फ्लूइड है वो क्या है, लंग्स की लेयर में जाके अकमुलेट हो रहा है। जो फ्लूइड है वो क्या है, लंग्स की लेयर में जाके अकमुलेट हो रहा है, तो उसको हमने बोल दिया प्लूरल इफ्यूजन है। उसके हमने क्या बोला, प्लूरल इफ्यूजन है। किसी भी कारण से कोई भी बैक्टीरिया वहां पे जाके इन्वेड कर रहा है, कोई भी वायरस वहां पे जाके इन्वेड कर रहा है, और अगर हम एज की बात करें तो अबव 60 ईयर जितने भी हमें डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के और सिस्टम के भी, तो उसका रिस्क फैक्टर कौन सा होता है, अबव 60 ईयर ओल्ड। क्यों, क्योंकि अबव 60 क्या है, हमारी इम्यूनिटी क्या है वो वीक पड़ने लग जाती है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो बुढ़े होते हैं ये भी क्या है, बच्चों के जैसे होते हैं, तो इनको भी क्या है एक स्पेशल डाइट देते हैं। स्पेशल डाइट किस लिए देते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या है, बूस्ट अप होती रहे। अगर इम्यूनिटी वीक नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है बीमारी लगेगी नहीं, बीमारी लगेगी नहीं तो क्या है, डेथ रेट भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए मौत तो जब आनी है वो तो आएगी, उसको तो हम कोई रोक नहीं सकता, बट अपने लेवल पे हम जो कर सकते हैं बीमारियों को रोक सकते हैं। बीमारियों को कैसे रोकेंगे, अगर हम ना हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है, वेल बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छी डाइट लगेंगी, अच्छा हमारा खान पीन होगा, अच्छा हमारा एनवायरमेंट होगा, तो क्यों हमें बीमारी होगी कोई। तो इस तरीके से हमें क्या है, डेथ रेट से भी बच सकते हैं, कम कर सकते हैं डेथ रेट को। सो दिस इज अबाउट डेफिनेशन एंड कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स, की कौन कौन से कॉज होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। सो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं प्लूरल इफ्यूजन के। अगर बात करें इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे अगर पेशेंट को क्या है प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, मतलब उसकी ये जो प्लूरा है, उसकी प्लूरा है उसमें क्या फ्लूइड फिल हो रहा है, तो उसमें से हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, एंड साइन एंड सिम्टम्स को हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास कौन सा मेन जो साइन आएगा, पहले हमारे पास वो होगा प्लूरेटिक पेन, प्लूरेटिक पेन। पेन का मतलब आपको पता है वही पेन, अनप्लीजेंट सेंसेशन। तो प्लूराइटल का मतलब होता है प्लूराइटिक, मतलब प्लूरा का पेन, पेन कहां पे हो रही है, प्लूरा पे हो रही है, शार्प पेन हो रही है प्लूरा। प्लूरा क्या है, लंग्स की वो लेयर जो कि लंग्स को क्या है इनक्लोज करके रखती है, और वो लेयर पे मतलब लंग पे क्या है वो शार्प पेन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लूराइटिक पेन। तो ये भी इसका क्या है मेन सिम्टम है प्लूरल इफ्यूजन का। और कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन में, डिज़निया होगा पेशेंट को, डिज़निया, तो डिज़निया पेशेंट को क्या है डिज़निया होगा, और डिज़निया को हम क्या बोलते हैं, डिज़निया को हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, पेशेंट को क्या होगा सांस लेने में दिक्कत होगा, और पेशेंट को क्या आएगी कफ आएगी, पेशेंट को क्या है उसकी प्लूरा में फ्लूइड फिल हो गया, तो उसको क्या है वीजिंग साउंड पे आएगी, और जब भी वो कफ करेगा कफ से क्या वीजिंग साउंड आएगी, और कफ कौन सी आएगी, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ आएगी, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ। कफ किस तरह की आएगी पेशेंट को, ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ आएगी पेशेंट को, और जब भी पेशेंट कफ करेगा उसमें से क्या है वीजिंग साउंड सुनाई देगी। अभी उसके लंग्स में क्या है प्लूरा में क्या फ्लूइड फिल हो रहा है, तो वीजिंग साउंड आएगी, तो वीजिंग साउंड हमने आप पहले पढ़ा था, वीजिंग साउंड किसको कहते हैं, जब भी पेशेंट क्या कफ करेगा सीटी, जैसे सीटी बजती हमारे लंग्स के वैसी क्या आवाज आएगी, उसको हम बोलते हैं वीजिंग साउंड। और क्या होगा यहाँ पे हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टैकीकार्डिया, इस कंडीशन में हमें क्या है टैकीकार्डिया होगा, और टैकीकार्डिया का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, और टैकी मतलब इंक्रीज होना, और ब्रेडी का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो यहाँ पे जो हमारी हार्ट रेट है नॉर्मल हार्ट रेट क्या है वो क्या इंक्रीज हो जाएगी,
तो नॉर्मल हार्ट रेट मैंने आपको बताया पहले, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी, अगर हम वैल्यू में बात करें तो अगर हम स्पेसिफिक लिखते हैं 72 बीट पर मिनट, 70 to 90 नॉर्मल मान के चलते हैं, 60 to 90 नॉर्मल मान के चलते हैं, और जब हमारी हार्ट रेट अबव 100 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, और जब बिलो 60 हो जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, टैकीकार्डिया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फाइंडिंग इज सीन इन प्लूरल इफ्यूजन, तो उसमें आपको ये वाले साइंस मिलेंगे, और क्या टैकीकार्डिया की जगह पे क्या ब्रैडीकार्डिया लिखा होगा, तो उसमें से लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस सीन इन दिस डिजीज कंडीशन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़ के, तो किसको छोड़ के, टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया को छोड़ के, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन में क्या मिलता है हमें, टैकीकार्डिया मिलता है, तो ब्रैडीकार्डिया प्लूरल इफ्यूजन में नहीं होता। एग्जामिनर के ऐसे घुमा के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो दीज आर द मेन, इसको हम बोलते हैं मेन क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम। और क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर भी पेशेंट का इंक्रीज करेगा, पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और जो बाउल साउंड होती है वो क्या एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है, बाउल साउंड भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, और जो ब्रीथिंग साउंड है वो भी क्या एबनॉर्मल हो जाएगी। तो ब्रीथिंग साउंड, जो हम ब्रीथ लेते हैं उसकी साउंड कैसे एबनॉर्मल होगी, जैसे मैंने आपको बताया वीजिंग साउंड आने लग जाएगी, पेशेंट के लंग्स में क्या फ्लूइड फिल हो रखा है, फ्लूइड फिल हो रखा है, तो उसके जब पेशेंट जब भी कफ करेगा तो क्या, जैसे उसकी चेस्ट से क्या सीटी बजती है, जैसे ऐसी आवाज आएगी, मतलब क्या जो ब्रीथ साउंड है नॉर्मल से वो क्या एबनॉर्मल होगी। तो दीज आर द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। अब हम इसकी बात करेंगे डायग्नोस्टिक वैलिडेशन में कि पेशेंट को क्या हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, तो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है, तो हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में क्या हम पहले करेंगे, पेशेंट का क्या है एक्सरे परफॉर्म करेंगे, एक्सरे करेंगे पेशेंट का, और उसके बाद क्या करेंगे, एबीजी टेस्ट करेंगे, एबीजी, एबीजी हमने पहले भी बहुत सारी डिसीज कंडीशन में पढ़ा था डिटेल में कि एबीजी का मतलब क्या होता है। सो मैं फिर बता देता हूँ, एबीजी का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, इसके बारे में हमने पिछली डिसीज कंडीशन में पढ़ा था। So, इसमें भी क्या है, हम एबीजी पेशेंट का चेक करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस देखेंगे फाइंडिंग, और क्या मेन एक्सरे करेंगे, और भी कर सकते हैं, बट प्लूरल इफ्यूजन में ये जो हम मेनली परफॉर्म करते हैं। दिस इज अबाउट डायग्नोसिस। अब हम बात करें कि कौन कौन सी इंटरवेंशन, पेशेंट को क्या डायग्नोस हो गया, डायग्नोस का मतलब क्या, हमें पता लग गया कि पेशेंट को क्या है, ये वाली डिसीज कंडीशन है, और जब भी हमें डिसीज कंडीशन का पता लग जाए कि पेशेंट को ये डिसीज है, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। देखिए पहले हमें क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, जहां हम बोल रहे हैं कि हम मेडिसिन तो ले रहे थे बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि जो हमारी डिसीज है वो फाइंड नहीं हुई थी, डायग्नोस नहीं हुआ था, बट अभी क्या है, डायग्नोस हो गया कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो किस कारण से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हमें पता लग गया कि ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है इस प्रॉब्लम के पीछे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, और अब क्या डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कर दिया, तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमें क्या पता चला कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्लूरल इफ्यूजन। तो अगर हमें पता लग गया है पेशेंट क्या प्लूरल इफ्यूजन से सफर कर रहा है, तो क्या करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। सो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, अभी क्या है प्लूरा में फ्लूइड फिल हो रहा है, तो उसको क्या हम, अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो उसको क्या हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेशेंट को क्या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और भी ड्रग्स दे सकते हैं। तो इसका मेन जो हम परफॉर्म करते हैं वो क्या, अभी क्या जो प्लूरा से फ्लूइड फिल हो गया, तो प्लूरा से फ्लूइड बाहर निकालेंगे, प्लूरा से क्या है फ्लूइड बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा एंटीसीज भी कर सकते हैं हम इस कंडीशन में। तो ये तो जो ट्रीटमेंट है ये तो क्या इसकी प्रिस्क्रिप्शन से होगा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे होगा, बट वी आर नर्स एंड हम क्या नर्सिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एज अ नर्स, नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, हम हर जगह पढ़ते हैं
प्रोवाइड किया फॉर द पेशेंट, प्रोवाइड किया कि नर्स का काम क्या है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, केयर गिवर, क्वालिटी होती है केयर गिवर। सो नर्स की प्रायोरिटी क्या होती है, पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना। और पेशेंट को कौन सी केयर प्रोवाइड करना, नीड बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, कि जो पेशेंट को नीड है, जिस तरीके की केयर पेशेंट को चाहिए उस तरीके की केयर उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम इंटरवेंशन की बात करें, नर्सिंग इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन में हम क्या है, पोजीशन का ध्यान रखेंगे। हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे, अगर पेशेंट क्या है सुपाइन पोजीशन में लाई करेगा तो उसको क्या होगा, डिस्निया की प्रॉब्लम हो रही है, और अगर डिस्निया की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। सेमी फाउलर पोजीशन से क्या होगा, सेमी फाउलर पोजीशन से क्या है, पेशेंट को हम डिस्निया से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पोजीशन हमने दे दी, सेमी फाउलर दे सकते हैं या हाई फाउलर भी दे सकते हैं, जा क्या हाई फाउलर, पहले हम सेमी फाउलर दे सकते हैं, अगर पेशेंट को ज्यादा डिस्निया की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या हाई फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को। और क्या है, पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो क्या डीप ब्रीथिंग करे, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, ये भी क्या हमारी कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन होगी। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि पेशेंट जो है वो क्या डीप ब्रीथ करे एंड क्या है कफ करे। और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस करते हैं, ये क्या है इसका मेन इंटरवेंशन है नर्सिंग का, थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस। तो पहले भी हमने रेस्पिरेटरी की कंडीशन में पढ़ा कि थोरासेंटेसिस क्या होता है, पेशेंट की या क्या है प्लूरा में क्या था फ्लूइड फिल हो रहा था, तो पेशेंट की प्लूरा से क्या फ्लूइड को रिमूव करेंगे, और पेशेंट की प्लूरा से फ्लूइड करने को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको ही तो हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस। सो ये वाली क्या है इंटरवेंशन को फॉलो करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं, और ये वाले इंटरवेंशन फॉलो करेंगे। और अगर यहां से नहीं ट्रीट हो रहा, पेशेंट को हम नहीं ठीक कर पा रहे, तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। अरे मेडिकल मैनेजमेंट में हमने एंटीबायोटिक दे दी, बट जो फ्लूइड है अब वो क्या रिमूव करना पड़ेगा, तो हम उसमें से थोड़ा सेंटिस कर रहे हैं, बट फिर भी नहीं ठीक हो रहा पेशेंट, इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी तरह का, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सर्जरी, और सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, प्लूरेक्टमी करेंगे, सर्जरी, सर्जरी में क्या करते हैं प्लूरेक्टमी। प्लूरेक्टमी और प्लूरेक्टमी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ प्लूरा, प्लूरा को क्या करेंगे रिमूव करेंगे प्लूरेक्टमी। तो इसमें से हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और क्या करते हैं प्लूरोडेसिस, प्लूरोडेसिस ये भी क्या सर्जिकल इंटरवेंशन है प्लूरोडेसिस। और प्लूरोडेसिस का मतलब क्या होता है, इंस्पिलेशन ऑफ स्क्लेरोसिंग सब्सटेंस इनटू प्लूरल स्पेस, इन्फ्लेमेशन दैट स्क्लेरोसिस टिश्यू। तो इस कंडीशन में भी क्या है हम प्लूरोडेसिस करते हैं। So this is about the surgical management of pleural effusion. So आज हमने पढ़ा है pleural effusion कि pleural effusion क्या होता है। हमने क्या पढ़ा pleural effusion क्या होता है, ये जो हमारी lungs की layer होती है pleura, उसमें क्या है abnormal collection होने लगी fluid की, fluid जब collect हो रहा है हमारी pleura में, तो उसको हमने बोला pleural effusion। तो हमने पढ़ा कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, और अगर प्लूरल इफ्यूजन हो गया तो उसमें हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और अगर पेशेंट को कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो वो क्या करेगा डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर को बताएगा साइन एंड सिम्टम्स अपने, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि हाँ ठीक है ये तो साइन एंड सिम्टम्स आए हैं, जा ये टेस्ट करवा के ला। तो टेस्ट को हमने क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और जब हमारे पास डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हो गया, तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में हमें क्या हुआ डिसीज का पता लग गया,
कि पेशेंट को ये डिसीज है, और जब भी हमें डिसीज का पता लग जाता है हम क्या इनिशियली ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने मैनेजमेंट करी, फार्मा नॉन फार्मा और क्या नर्सिंग इंटरवेंशन की हमने बात की। सो आज का एक हमारा टॉपिक था, ये था प्लूरल इफ्यूजन। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ताकि हमारे जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो हमारे इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू।